सोलन अस्पताल में मानक पूरे न होने की वजह से डीएनबी के तहत एमडी के समक्ष कोर्स करने वाले चिकित्सकों का भविष्य अधर में लटक गया है, क्योंकि प्रशिक्षु चिकित्सकों को शिक्षा दे रहे चिकित्सक यहां से ट्रांसफर हो गए हैं और नए चिकित्सक को नियुक्त नहीं किया गया है। यही कारण है कि प्रशिक्षु चिकित्सकों की शिक्षा बीच में अधूरी रह गई है। ये चिकित्सक जहां एक और अस्पताल में चिकित्सकों की कमी को पूरा करते थे और रोगियों का उचित इलाज भी करते थे, लेकिन अब ये चिकित्सक अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने गुहार लगाई है कि प्रदेश सरकार जल्द चिकित्सकों की नियुक्ति करे ताकि उनके भविष्य से खिलवाड़ ना हो। रोष प्रकट करते हुए डीएनबी से एमडी समक्ष कोर्स कर रहे सोलन में तैनात राकेश कुमार चिकित्सक ने कहा कि सोलन अस्पताल में दो जिला मंडी में चार चिकित्सक अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं और कोर्स भी कर रहे हैं, लेकिन अब वरिष्ठ चिकित्सक ना होने की वजह से वे अपना कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से डीएनबी को जो मानक चाहिए वह प्रदेश सरकार नहीं दे पा रही है। यही वजह है कि डीएनबी और चिकित्सकों को उच्च शिक्षा के लिए हिमाचल नहीं भेज रही है, जिसका असर उन पर तो हो ही रहा है, साथ में इलाज करवाने वाले रोगियों पर भी इसका निकट भविष्य में दुष्प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि प्रदेश सरकार के पास चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। जो चिकित्सक उच्च शिक्षा के लिए यहाँ आए थे उनके मानक पूरे नहीं हो रहे, इसलिए वे अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे और ना ही और चिकित्सक यहाँ आएंगे। इसलिए उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि वे चिकित्सक जल्द से जल्द उपलब्ध करवाएं। आपको अवगत कराना चाहता हूं कि क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में डीएनबी मेडिसिन की दो सीट हैं, पीजी सीट, और अभी विगत दिनों में हमारे यहां से सीनियर डॉक्टर डॉक्टर राजन उप्पल, जिनका ट्रांसफर हो गया है, उसकी वजह से क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में फैकल्टी की कमी आ गई है। अभी ये डीएनबी की काउंसलिंग 2 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और फैकल्टी की कमी की वजह से क्षेत्रीय अस्पताल सोलन और जोनल अस्पताल मंडी में डीएनबी की जो सीटें हैं उन पर मानक पूरे न होने के वर्तमान दशा में डीएनबी ने काउंसलिंग करने से मना कर दिया है। मैं हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा, साथ में जो संबंधित विभाग हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में संज्ञान लें और समय रहते यहाँ क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में और जोनल अस्पताल मंडी में जो भी चिकित्सक की ज़रूरत है मानकों के अनुसार उसको शीघ्र अतिशीघ्र नियुक्त करें, जिससे कि इन 6 सीटों को काउंसलिंग कराया जा सके और स्पॉइल होने से, नष्ट होने से रोका जा सके। हम सभी जानते हैं कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, अगर ये सीटें नष्ट हो जाती हैं तो जो पीजी एस्पिरेंट्स हैं वो उनके भाग्य का और भविष्य के साथ तो अन्याय हो गई, साथ में सोलन की और मंडी की जनता भी प्रभावित होगी। आपको बता दें कि डीएनबी से 6 चिकित्सक पहले ही मंडी, टांडा और सोलन में सेवाएं दे रहे हैं। हर वर्ष इनमें 6 चिकित्सक डीएनबी के माध्यम से प्रदेश को मिलते हैं, जो अपनी उच्च शिक्षा करने प्रदेश में आएंगे, लेकिन अगर डीएनबी के मानक ही पूरे नहीं होंगे तो शिक्षा ग्रहण करने आए चिकित्सकों को केवल सरकार स्टाइफंड उपलब्ध करवाती है, जो चिकित्सकों की कमी को पूरा करते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार उन्हें सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, तो निकट भविष्य में फिर से चिकित्सकों की कमी से जूझना पड़ सकता है।